आपके जानते हैं आप कि सलन में तीन लोग जो है वो सुबह बह गए थे अर्ली मॉर्निंग, कहीं वो वहाँ गए हुए थे नदी में, तो वहाँ से वॉश आउट हो गए। तो उसके लिए सर्च ऑपरेशन जो सुबह जो है SOG डिस्ट्रिक्ट पुलिस और साथ में SDRF और जो लोकल्स थे उनके सब की हेल्प से जो है एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहाँ से ऊपर से सर्च ऑपरेशन चलाते चलाते जब नीचे आए तो जहाँ पे हमने जो नीचे की जो हमारी बॉर्डर पुलिस पोस्ट थी उनको भी एक्टिवेट किया हुआ था, तो यहाँ पे एक डेड बॉडी हमें रिकवर हुई है जिसका नाम अभी आइडेंटिफाई किया कुछ लोगों ने, अभी उनके घर वालों से भी हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। रवि कांत करके लड़का है, उसकी डेड बॉडी मिली है। दो बंदे अभी भी उसमें मिसिंग चल रहे हैं, तो अभी हमारा सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा है। अब हम इसको आगे तक ले जाएंगे तो जल्दी से उन दो को भी रिकवर कर लेंगे। सर ये कौन सी गाड़ी पे थे और कहाँ गाड़ी रिकवर हुई? एक ट्रैक्टर सुनने में आ रहा है कि लोगों ने देखा कि ट्रैक्टर पे थे, वहाँ पे नीचे गए हुए थे कहीं नदी में। वो ट्रैक्टर भी मिल गया है वहाँ से, जो साइट ऑफ जो है इंसिडेंट की साइट है उससे थोड़ा सा नीचे जो है वो ट्रैक्टर लगा हुआ था। तो अभी दो जो है अभी मिसिंग उसमें बताए जा रहे हैं, तो अभी उसके लिए सर्च ऑपरेशन हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो सर ये देख रहे हैं कि लगातार बारिश की वजह से नदियाँ और नाले उफान पर हैं, बिलावर में भी कुछ डैमेज की रिपोर्ट आई है कि दो बच्चे जो हैं वो मलबे में दब गए, जिनकी मौत हुई। जी जी, वो एक जगह है वहाँ पे बिलावर में किशनपुर वाली साइड में एक गाँव है छोटा सा, वहाँ पे एक कच्चा घर था, वो घर जो है वो क्लैप्स हो गया है इससे हैवी रेन, आपको जानते हो कि कल रात से ही चल रही है, तो उसमें दो बच्चे जो थे छोटे छोटे वो उसमें दब गए थे। वो हमारा वो सर्च ऑपरेशन वहाँ पे मतलब की करके उसमें हमने लोकल की हेल्प से उन बच्चों की डेड बॉडी को रिकवर किया है। तो अभी तक तकवा की अगर बात करें तो तीन लोगों की डेड बॉडी जो है, तीन दो बच्चों और एक शख्स की डेड बॉडी मिली है और दो अभी भी लापता। जी जी, आज मॉर्निंग से आप कह सकते हैं कि तीन डेड बॉडी, दो बच्चों की डेड बॉडी वहाँ बिलावर में जो एक कच्चा हाउस में जो डेविल्स में थे वो हमने रिकवर किए हैं, रिट्रीव किए हैं, और एक डेड बॉडी इधर से हमने की है। अभी दो अभी
पहले बहुत ज़्यादा रहा है।